हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले मैं आपको टोपी के बारे में बता दूं जिस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.5 है। तो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। इसी टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.5 है। ऑपरेशन का मतलब मैथ्स में देखिए क्या होता है। चार मेन ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑपरेशन और भी होते हैं बट ये चार मेन ऑपरेशन होते हैं। रियल नंबर्स आपको पता है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशन, रैशनल का रैशनल नंबर के साथ। आर मैं किसके लिए लिख रहा हूं? रैशनल के लिए। रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन, और रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है, पहला देखिए, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन, इसका मतलब है रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड और सब्ट्रैक्ट करना। आप पिछली क्लास में कर चुके हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2/3 और दूसरा नंबर लिया मैंने 1/2। तो इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, करना आता है। पिछली क्लास में आपने किया था ये ऑपरेशन, आप कर चुके हैं रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेट करना कि कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, √3 है इरेशनल और ये भी हमारा इरेशनल है √3। √3 में √3 को हम कैसे ऐड करेंगे? अभी तक आपने ये किया नहीं है, इसी एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? रैशनल में इरेशनल को जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे और जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा? फॉर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर लिया मैंने 2 और इरेशनल नंबर लिया मैंने √5। अभी तक आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड नहीं किया है और ऐड करने के बाद हमारा नंबर कैसे आएगा वो भी आपको नहीं पता। यही सब कुछ हम एक्सरसाइज 1.5 में करने वाले हैं। तो देखिए, इसको रब करूं मैं, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, आपने बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट नंबर 2-√5, आपको पता है 2 रैशनल है, √5 इरेशनल है। तो मैं 2 में से √5 को अगर माइनस करूंगा तो नंबर कैसा आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा? तो इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पे, जो कि आपको याद रखना है। रैशनल में से अगर आप इरेशनल को माइनस करें तो जो हमारा नंबर आता है इरेशनल ही आता है। कैसा आता है? इरेशनल। या इरेशनल में से रैशनल को माइनस कर लो तब भी रैशनल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखें, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, नंबर आएगा हमारा इरेशनल। बस यही लिखना है आपने, 2-√5 कैसा होगा? इरेशनल। अगर हम √5 की वैल्यू रखेंगे, पॉइंट में आती है, आपको पता है √5 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो 2 में से इसको माइनस करेंगे एक्चुअल में और जो आंसर आएगा वो जो हमारा नंबर होगा वो इरेशनल होगा। बट हमें माइनस करके दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि नंबर किस टाइप का आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। दो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे, या इरेशनल में से रैशनल को माइनस करो, या ये नंबर ऐसे होता है √5 में से 2 को माइनस करेंगे तो तब कैसा आएगा नंबर? तब भी आप क्या बताते? इरेशनल ही आएगा, क्योंकि तो इरेशनल में से रैशनल को माइनस करो क्या आएगा? इरेशनल। अगर रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करें तब भी इरेशनल आता है। डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें
तब भी इरेशनल ही आता है, या मल्टीप्लाई करें रैशनल को इरेशनल से तब भी रैशनल ही आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। बस एक एक ध्यान रखना, यहां पे जो आर है वो रैशनल नंबर है बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे जो आर है वो जीरो हो गया, जीरो को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से तो वो तो जीरो आ जाएगा और वो क्या है, रैशनल है। यहां पे इस केस में यहां पे आर जीरो नहीं है और यहां पे भी आर जीरो नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी नीचे जीरो नहीं आता। अगर नीचे जीरो आ गया तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट, देखिए इसका 3 + √23 कैंसल हो गया, बचा 3। कैसा नंबर है, रैशनल। थर्ड पार्ट, यानी कि कहने का मतलब यह है किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, जो हमारा नया नंबर आता है वो इरेशनल ही होगा। बस मल्टीप्लाई के केस में रैशनल जीरो नहीं हो और डिवाइड के केस में भी डिनोमिनेटर में रैशनल नहीं हो, बस। थर्ड, 2 √7 / √7 √7 से √7 कैंसिल हो गया, बचा 2/7 और ये 2/7 कैसे है, रैशनल। फोर्थ पार्ट, 1 / √2 1 कैसा है, रैशनल। रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा इरेशनल। फिफ्थ पार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल होता है। पाई कैसा होता है, इरेशनल होता है। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा इस चीज को। पाई इरेशनल होता है और 2 रैशनल है। रैशनल को इरेशनल से, ये इरेशनल है पाई और ये इरेशनल, ये रैशनल। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा इरेशनल आएगा। हम समझेंगे कि पाई इरेशनल कैसे होता है। आप समझ रहे होंगे सर, पाई तो 22/7 की इक्वल होता है और ये p/q की फॉर्म में है इसलिए पाई रैशनल होना चाहिए। बट पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ये होती है, पाई इक्वल टू 3.14159265 .. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट 22/7 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे वो होती 3.142857, रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ये वैल्यू जो 22/7 है इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए हम पाई को 22/7 लिख देते हैं। बट पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई कैसा होता है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिनकी नॉलेज होना हमें जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कोई भी नंबर रूट के अंदर है अगर आप उसका स्क्वेयर करते हैं, ये आपने पहले 8th क्लास में भी किया होगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है तो a बचेगा हमारे पास, a आ जाएगा इसका आंसर। फॉर एग्जांपल मुझे √3 का स्क्वेयर कर रहा हूं, इसका मतलब रूट से स्क्वेयर रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। सेकंड है, दो नंबर रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि √a मल्टीप्लाई √b तो ये बन जाएगा √a × b। इसके मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, मैंने √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इरेशनल नंबर को, रूट एक रूट में आ जाएगा 2 × 3, ये a है ये b है तो 2 × 6 √6 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना हो जाएगा रूट 30। थर्ड कॉन्सेप्ट, सपोज आपने मल्टीप्लाई करना है 4√3 को 2√5 से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान रखें रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा, रैशनल रैशनल से। 4 को 2 से कर देंगे, रैशनल है दोनों, 4 2 8, और ये दोनों एक रूट में आ जाएंगे, √3 × 5, यानी कि 5 3 15, एक रूट में आ जाएंगे। ये रूल लग जाएगा हमारा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी स्क्वेयर रूट ऑफ ए इंटू बी। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने मल्टीप्लाई करना है 2√6 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 से, कैसे करेंगे? तो 5 2 10, 10√6 2 12। फोर्थ पॉइंट, एड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप? 4√3 को 2√5 में एड करने हैं। एड तभी होंगे जब रूट की टर्म सेम होगी। ये अलग अलग टर्म है, जैसे एलजेब्रा में करते हो, सपोज एलजेब्रा में मैंने 2x² में x को ऐड करना है, तो x ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, और x की स्क्वायर को ऐड करना है तो मैं कैसे करता हूं? यहां पे 1 है, इसका मतलब x की स्क्वायर का कोफिशियंट, जो कोफिशियंट है वो ऐड हो जाते हैं, 2 1 3। तो इसी तरह से दो नंबर्स इरेशनल नंबर्स रूट में हैं, अगर आपने उसको प्लस या माइनस करना है तो रूट के नंबर होना सेम जरूरी है। तो ये रूट के नंबर नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे, और माइनस करना है तब भी माइनस नहीं होंगे, एज इट इज ही रहेंगे। अगर सपोज मैं यहां पे मान लिया मैंने ये 3 है, 3 मान लिया मैंने, तो अब कैसे प्लस करेंगे? तो रैशनल में रैशनल को ऐड करना है, 4 2 6 6√3 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 6√3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5√2 प्लस माइनस कर लेते हैं, अब माइनस 4√2, 5 में से 4 माइनस 1 1√2। सिर्फ रैशनल में से रैशनल माइनस करने हैं, बाकी उसके पीछे रूट का नंबर लगा देना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3√2 में से सपोज मैंने √2 को ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? यहां पे इसका मतलब 1√2 है। अगर आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 3 + 1 4√2 हो जाएगा। अब हम ये हमारी आ गई मल्टीप्लीकेशन की, सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की बात, अब हम डिवाइड की बात करते हैं। सपोज आपने डिवाइड करना है 2√5 / 3√7, तो कैसे डिवाइड करेंगे? रूट का नंबर रूट से डिवाइड होगा अगर सेम होंगे तो, अब सेम नहीं है तो ऐसे ही रहेंगे। और सपोज मैंने यहां पे मान लो 4 लिख दिया, तो रैशनल से रैशनल को आप काट सकते हो, तो √5 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 2√7। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3√5 / 4√5, इसको डिवाइड करना इससे, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और 3 4 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 + √3 × 2 + √2। सिंप्लीफाई करने का मतलब है, यहां पे ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटली, जैसे आप एलजेब्रा में करते हो, पहले इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है 2 + √2, फिर बीच में प्लस आ गया, √3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √2 से, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं लिखना, रूट के नंबर को पॉइंट में नहीं लिखना, तो 3√2 ही रहेगा। ये 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को √3 से किया, 2√3 हो गया, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 प्लस, ये ऐड नहीं होंगे
क्योंकि अलग अलग रूट की टर्म है ये, तो ऐसे ही रहेगा ये थ्री रूट टू और प्लस टू रूट थ्री, और ये एक रूट में आ जाएंगे थ्री टू जा सिक्स रूट सिक्स, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट देखिए, थ्री प्लस रूट थ्री सेम है और थ्री माइनस रूट थ्री जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया आप वैसे भी कर सकते हैं, और यहां पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, तो आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी, एट क्लास में आपने किया था, ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की। आप इस आइडेंटिटी को लगा के करेंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो ए की स्क्वेयर यानी कि थ्री का स्क्वेयर, यहां पे ए हमारा थ्री है और बी कितना है रूट थ्री, तो वैल्यू पुट करनी है ए की स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हमारा थ्री का स्क्वेयर होता है नाइन, रूट थ्री का स्क्वेयर जैसे कि मैंने बताया था स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता तीन, तो नौ में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा सिक्स, तो इसका आंसर आ गया हमारा सिक्स। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, रूट फाइव प्लस रूट टू की होल स्क्वेयर, यहां पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, आपने बस फॉर्मूले में पुट कर देना है ए की स्क्वेयर, ए यहां पे रूट फाइव है और बी है हमारा रूट टू, तो रूट फाइव की स्क्वेयर बी हमारा रूट टू, बी की स्क्वेयर प्लस टू ए बी, बस वैल्यू पुट कर दी हमने फॉर्मूले में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये हो गया रूट फाइव की स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया फाइव आ गया, रूट टू की स्क्वेयर करेंगे तो टू आ गया टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट फाइव को रूट टू से, तो दोनों एक रूट में आ जाएंगे, रूट टेन बन जाएगा, आपको पता है एक रूट में आ जाएंगे फाइव इंटू टू, तो रूट टेन आ जाएगा हमारे पास, फाइव प्लस टू सेवन और प्लस टू रूट टेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, रूट फाइव माइनस रूट टू मल्टीप्लाई रूट फाइव प्लस रूट टू, तो ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों नंबर्स सेम मिलेंगे यहां पे, बीच में सिर्फ साइन का फर्क मिलेगा, एक प्लस होगा एक माइनस तब ये यूज होगा, तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, इसका यूज कर रहे हैं हम, तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए हमारा यहां पे रूट फाइव और बी है रूट टू, तो रूट फाइव का स्क्वेयर करेंगे स्क्वेयर रूट कट जाएगा स्क्वेयर से, तो फाइव आ गया इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा दो, पांच माइनस दो तीन, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स इस चैनल पर क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की वीडियो और मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो दोनों ही अवेलेबल है, ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, सर्कमफ्रेंस को सी का नाम दिया है यहां पे, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, डायमीटर को डी का नाम दिया है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। रिकॉल हमें यह पता है कि जो पाई होता है वो रेशियो होता है किसकी, सर्कमफ्रेंस की और डायमीटर की, आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर और डायमीटर क्या होता है 2 आर, तो क्या आ गया हमारे पास पाई, यानी कि पाई किसकी रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, इस स्टेटमेंट से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है ये अपोजिट स्टेटमेंट है किस चीज की, कि पाई तो क्या होता है, इस फैक्ट की कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई तो इरेशनल होता है, यानी कि इस स्टेटमेंट को कि पाई इरेशनल होता है ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अपोजिट है,
कैसे? पाई तो इरेशनल होता है और कोई भी नंबर अपॉन की फॉर्म का होता है वो कैसा होता है? रेशनल होता है। तो रेशनल इरेशनल के कैसे इक्वल है? हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। एक्चुअल में अगर हम इनकी वैल्यू मेजर करके सी और डी की वैल्यू पुट करें तो ये जो राइट हैंड साइड है ये भी हमारी इरेशनल ही आती है। तो इरेशनल इरेशनल के इक्वल है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम इसको समझते हैं कि ये इरेशनल कैसे है। देखिए, सर्कल ड्रॉ किया मैंने एक, ये जो बाहर की बाउंड्री है ये क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। और ये डायमीटर डी, सर्कमफ्रेंस भी एक लेंथ है और डायमीटर भी क्या है? एक लेंथ है। जब हम किसी लेंथ को किसी भी स्केल से मेजर करते हैं तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने स्केल लिया 10 सेंटीमीटर का, सपोज मैंने यहां से यहां तक लेंथ को मेजर करना है तो मैं इसकी लेंथ कितनी लूंगा? अगर इस लेंथ को मुझे मेजर करना है तो 7.5 लूंगा, बट 7 और 8 के बीच में बहुत सारे स्मॉल डिविजन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी, जिसको कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। तो मे बी ये वैल्यू ऐसी आ सकती है 7.51, 31, 56, 78, ऐसी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ वो स्केल को यूज कर रहे हैं जिसके बीच में हमें स्मॉल डिवीजन सिर्फ 10 पता है, ठीक है? इनफाइनेटली मैनी डिविजन होते हैं इनके बीच में। तो इस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट कितनी ले लेते हैं? 7.5 ले लेते हैं, ठीक है? तो सिमिलरली अगर हम सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे, अगर वो स्पोर्ट्स ऐसी कुछ आती है 22.1715 1753, ऐसी कुछ वैल्यू आती है, तो हम अप्रोक्सीमेटली कितनी ले लेते हैं? 22 ले लेते हैं। उसी तरह डायमीटर की वैल्यू ले लेते हैं हम, तो अगर हम सी और डी को मेजर करेंगे इन दोनों में से एक इरेशनल वैल्यू आएगी, और इरेशनल और दूसरी वैल्यू अगर रेशनल भी आ जाती है, अगर डायमीटर रेशनल है और सर्कमफ्रेंस इरेशनल है तो इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल। और सर्कमफ्रेंस रेशनल आ जाती है वैल्यू और डायमीटर इरेशनल आ जाती है तो तब भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। अगर दोनों वैल्यू इरेशनल वैल्यू आ जाती हैं तब भी हमारा आंसर किस में आएगा? इरेशनल ही होगा। इरेशनल इरेशनल के इक्वल है, इसलिए कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट देखिए पेपर में आपने कैसे लिखना अगर आ जाता है तो। व्हेन वी मेजर सी एंड डी विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, जब हम सी और डी को किसी स्केल से या एनी अदर डिवाइस से मेजर करते हैं, वी टेक देयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, बट इन फैक्ट इधर सी और डी इज इरेशनल, बट इन फैक्ट या तो सी या डी दोनों में से एक श्योर है इरेशनल होगा, और दोनों में से एक इरेशनल है तो इसका मतलब सी बाई डी क्या होगा? सी बाई डी इज इरेशनल। अगर सी बाई डी इरेशनल है तो पाई के इक्वल ठीक लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन।